हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी की सूखी चटपटी भुजिया, जिसे आप दाल के साथ या बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के गोभी लिए हैं और इसे कट कर लेंगे। हो सके तो आप छोटे छोटे पीसेस को इसे तोड़ लीजिए और जो बड़ा वाला पीस है उसे कट करके एक बराबर कर लीजिए। और इसे अब हम उबालेंगे। तो गरम पानी मैंने 2 ग्लास डाला है और इसे उबालने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक एक मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। मसाले बहुत कम जाएंगे इसमें। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक अपना चटनी डाल रही हूँ, जो मैंने लहसुन और लाल मिर्च को पीस के रेडी किया था। ये रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे जल्दी डालूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तभी मैं इसको मिक्स करूँगी। तभी ये मरम मसाला रेडी है। और अब तक हम गोभी अपना देख लेते हैं। तो गोभी अब हमारा अच्छे से पक चुका है। अभी हम छान के इसे अलग कर लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए। और सारे मसालों को ट्रांसफ़र करके अच्छे से सब साइड से इसे लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चने का बेसन, दही, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा और सिंपल भी है। तो मैं तो इसे एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बनाना, नहीं तो आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में या लोहे के तवे पे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हल्का सा कुरकुरा कर लेना। क्योंकि गोभी हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, तो ज़्यादा हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा ना फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम इसे एयर फ्रायर में डालते हैं। ऊपर से मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो बस रेडी हमारा कुरकुरा गोभी का सब्जी। तो आप इसे दाल चावल के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। या तो स्नैक्स की तरह भी इसे खा सकते हैं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और सर्दियों के सीज़न में तो गोभी आपको आसानी से मिल जाएगा।